हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं वांडा विजन के एपिसोड 5 और 6 का स्पॉइलर रिव्यू। तो सबसे पहले अगर अभी तक किसी ने एपिसोड 5 और 6 नहीं देखा तो गाइस जाके देखो, क्योंकि इसमें काफी सारे स्पॉइलर होने वाले हैं। देन उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एपिसोड 5 से। तो एपिसोड 5 मैंने जब देखा तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में सस्पेंस थोड़ा बढ़ता गया और एंडिंग में जो कैमियो देखने को मिला वो काफी ज्यादा लाजवाब था, और देन कह सकते हो कि एक थोड़ा इमोशनल भी था वांडा के लिए भी और जो मार्वल के ट्रू फैंस हैं उनके लिए भी। कहीं ना कहीं रेफरेंस पूरा एवेंजर एज ऑफ द अल्ट्रॉन का था, पेट्रो का, जो कि वांडा का रियल ब्रदर था। पर ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, तो मल्टीवर्स के हिसाब से इसमें एक्स मैन का कैरेक्टर हमें देखने को मिला। अब बात करें एपिसोड 6 की, तो एपिसोड 6 में इसे अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन करा गया, उसकी हेयर स्टाइल, उसका कॉस्ट्यूम, और देन बीच में कुछ फैमिली मूवमेंट भी देखने को मिले दोनों भाई बहनों के बीच में। आपने देखा होगा अच्छी तरीके से, पर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है एपिसोड 6 में, और देन एंडिंग में हम देखते हैं कि विजन को कुछ रियलाइज होता है कि मैं कहीं फंसा हूँ, और देन वो वांडा के चंगल से जब बाहर निकलता है तो टॉमी को पता चल जाता है और वो तुरंत मॉम यानी कि वांडा को बोलता है कि मॉम डैड को कुछ तो हुआ है, और देन वांडा अपना जो एरिया है उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करती है और भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर देती है, और देन उस जंगल में वांडा के पूरे उस जंगल में हर कोई फंस जाता है। जी हाँ, आप समझ सकते हैं मैं किनकी बात कर रहा हूँ, आप मेरी स्क्रीन पर वॉलपेपर्स भी देख सकते हैं। और देन सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगी इस एपिसोड की कि इसमें ब्लैक विडो और न्यूक फ्यूरी का इतना अच्छा रेफरेंस दिया गया है जो कि बहुत ही कमाल का था। तो किस किस ने नोटिस करा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब सबसे बड़ी बात अगले एपिसोड के लिए, जो कि हमारे लिए मन में क्वेश्चन पैदा कर देती है, विजन को क्या हुआ, क्या विजन हमें अगले एपिसोड में जिंदा देखने को मिलेगा या नहीं, और देन वांडा अब क्या करेगी, क्योंकि वांडा को लग चुका है कि हाँ कहीं ना कहीं विजन को आइडिया हो गया है कि वो मर चुका है पर वो इसके चंगल में जिंदा है। तो विजन और वांडा के बीच में काफ़ी सारी बहस होने वाली है, और जब वांडा को रियलाइज हो जाएगा वो गलत कर रही है तो वो इस चीज़ को सही करने की कोशिश भी करेगी, और इसमें एक एवेंजर का कैमियो भी होगा जो कि वांडा से इस प्रॉब्लम के लिए लड़ेगा। तो वो कौन सा होगा कैमियो, कौन सा एवेंजर इसमें आएगा, ये तो अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और अब 7, 8, 9 बहुत ही कमाल के धमाकेदार होने वाले हैं। तो गाइस, आज के बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।